जी वंदे भारत साबरमती से आ रही है अभी मारवाड़ जंक्शन। दोस्तों जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं गांधीनगर जयपुर से आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी पकड़ के अजमेर तक आता हूँ क्योंकि मेरी जोधपुर से कनेक्टेड ट्रेन थी। सो फिलहाल मैं अभी हूँ पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन और आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है 12479 जोधपुर टू बांद्रा टर्मिनस सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में। जोधपुर से ये ट्रेन शाम के 7:30 बजे निकलती है और इसका पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पे टाइम है 8:25 पे। 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो 7:12 हो रहे हैं। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है PMY। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, तब तक वीडियो में बने रहना। सो भाई लोग ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे कितने सारे स्ट्रीट डॉग लेटे पड़े हैं, इन्हें भी ट्रेन पकड़नी है। ओ तू कहाँ जाएगा भाई। सारे सोए पड़े हैं नाइट ड्यूटी करके, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों वीडियो में बने रहना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक अपलाइन है एक डाउन लाइन है और ये सेक्शन सिंगल लाइन है जोधपुर टू मारवाड़ जंक्शन। तो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन सूर्य नगरी एक्सप्रेस अराइवल हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट की डिले से आई है। सो गाइस अपनी कोच S3 चलते हैं S3 में। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा मारवाड़ जंक्शन पे। यहाँ से भी खूब रश चलेगा। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन मारवाड़ जंक्शन ऑन टाइम अराइवल हो रही है। सो यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है और इसका स्टेशन कोड MJ है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। भाई जी वंदे भारत साबरमती से आ रही है, अभी मारवाड़ जंक्शन इसका अराइवल हुआ है। सो इस ट्रेन के बाद इस ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है 8:05 वाली जो वंदे भारत है, अभी हाल में इसका इनॉग्रल हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका लुक है। तो दोस्तों मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो यहाँ से जो लाइनें निकलती है मावली मारवाड़ छोटी लाइन और एक लाइन अजमेर की तरफ चली जाती है, एक लाइन जोधपुर की तरफ चली जाती है और जिस लाइन पर हमारी ट्रेन जाएगी ये अहमदाबाद की तरफ जाएगी। 99 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है, 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 3 टर्मिनेट। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है तो आप लोग मारवाड़ जंक्शन से डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज आबू रोड रेलवे स्टेशन पे। सो बीच के रेलवे स्टेशनों को मैं स्किप करने वाला हूँ, रानी फलना जवाई बांध ये छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 2-2 मिनट के स्टॉपेज है तो मैं इनको स्किप करने वाला हूँ और अब मैं सीधा आपसे आबू रोड रेलवे स्टेशन पे मिलता हूँ, तब तक आप लोग भी एंजॉय करो। सो गाइस फाइनली यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है मारवाड़ जंक्शन से, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। इस स्टेशन पे
मैंने को झुग्गी क्वार्टर पीस। स्लीपर कोच भी दोस्तों पूरी तरह खाली है, बस सीट पे ही आदमी है और वेटिंग वाले तो है ही नहीं ट्रेन में, और आरपीएफ वाले भी हैं इस ट्रेन में। चलते हैं इसके वॉशरूम में आप। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों वॉशरूम मिरर ठीक ठाक है क्लीननेस में, और वॉश बेसिन भी ठीक ही है, साफ सफाई अच्छी है। तो दोस्तों आप लोग व्यू एंजॉय करो, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आबू रोड रेलवे स्टेशन में। ट्रेन ऑन टाइम रात के 11:35 पे खड़ी हो गई है आबू रोड रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स हैं, और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है ABR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है, सो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। ये जो ट्रेन थी हुगली यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस, और फाइनली हमारी ट्रेन आबू रोड से डिपार्चर ले रही है। तो आपने व्यू एंजॉय किया, मैं मिलता हूँ आगे आपसे सीधा सुबह। दोस्तों काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, बट यहाँ ट्रेन बिफोर आ गई थी तो काफ़ी। यहाँ पे दोस्तों 2 मिनट का स्टॉपेज है और इसका स्टेशन कोड है PNU। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा मॉर्निंग में। बिफोर टाइम हमारी ट्रेन सूरत के आउटर पे आके खड़ी हो गई है, होम सिग्नल का वेट किया जा रहा है, और यहाँ पे RPF डॉग स्क्वाड डॉग ट्रेनिंग करवा रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग व्यू एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा सूरत रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम सूरत अराइवल हो रही है। सूरत डायमंड सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो काफी शानदार अराइवल हुआ है। तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो, मैं अब आपसे मिलूंगा सीधा डिपार्चर के टाइम।
दोस्तों काफी शानदार एंट्री हुआ सूरत रेलवे स्टेशन पे। वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं पाया। सो हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है, सिग्नल तो हो चुका है। तो इसके बाद जो स्टॉपेज है सीधा बोरीवली रेलवे स्टेशन है। तो अब मैं मिलता हूँ सीधा आपको बोरीवली रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे मैं ट्रेन डिबोर्ड करने वाला हूँ। तो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो, काफ़ी अच्छा व्यू आपको आगे देखने को मिलेगा। सो वीडियो में बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा बोरीवली रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों हमारी ट्रेन ऑन टाइम बोरीवली रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो गई है और मैं यहाँ पे इस ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बांद्रा टर्मिनस बिल्कुल आउटसाइड में है और मुझे वहाँ से मुंबई लोकल नहीं मिलेगी। सो मैं यहाँ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने वाला हूँ खाने पीने के लिए। दोस्तों सूरत के बाद से आपको इस ट्रेन में इडली मिलने लगेगा मॉर्निंग के टाइम में, तो आप इडली लेकर के खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी इडली था। तो दोस्तों मैं अब आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।